हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वनिंग टी हैंडमेड। मैं दीप्ति, मैं एक ज्वेलर मेकर हूँ। मैं आज आपको ये सिल्क थ्रेड बॉल की यूज़ करके एक अच्छा सा नेकलेस बनाऊंगी। वो बनाना बहुत ईजी है और जल्दी टाइम में भी वो बन जाएगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये नेकलेस को तैयार करने में आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, पहले तो ये बॉल चाहिए। मैंने ये दो कलर के लिया है, ये रानी कलर की और ये स्काई कलर की, और ये फ्लावर चार्म लिया है स्मॉल साइज की। ये दो कनेक्टर लिया है और ये जंप रिंग, लॉक बीड, ये सिल्वर कलर की 2 mm की ये बॉल, और ये 6 mm की ये बॉल सिल्वर कलर की गेयर वेयर। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं ये कैसे बनती है। पहले मैं ये वायर को थोड़ा ऐसे लंग करके कट कर दूंगी। वायर को ऐसे लंग करके कट कर दिया, फिर दो वायर को ऐसे मिला के ये जो मैंने जंप रिंग लिया था, ये जंप रिंग के अंदर ये वायर पास कर दूंगी ऐसे ही। फिर इसको लॉक करने के लिए मैंने ये सिल्वर कलर की लॉक बिट लिया है। और यहीं पे मैं इसको लग कर दूंगी। नेक्स्ट ये जो मैंने 2 mm की ये सिल्वर कलर की सीसी बॉल लिया था, बस उसको पास करूंगी। ओके, देखो मैंने ये वायर के अंदर ये स्मॉल साइज की बॉल मैंने 25 पास किया है। फिर मैंने ये दोनों को ये जो कनेक्टर लिया था, बस ये कनेक्टर के अंदर पास करूँगी। एक वायर इस साइड और दूसरी वायर इस साइड पास करना है, ऐसे ही आएगी। फिर एक साइड मैंने ये दोनों को दो साइड कर दिया है। एक साइड ये जो मैंने बॉल लिया था ये सिल्क थ्रेड बॉल के मैं यूज़ करूँगी। तो मैंने पहले ये रानी कलर पास किया, नेक्स्ट ये स्काई कलर, फिर एक ये रानी कलर, नेक्स्ट ये चार्म, ऐसे ही पैटर्न आएगी है। एक एक करके दो कलर को एक एक करके पास करना है। बस ये स्काई, ये फ्लावर का चार्म, फिर ये कलर, फिर ये फ्लावर, ऐसे ही करके आप 17 बॉल्स पास करोगे। देखो ये ऐसे ही पैटर्न आएगी, ऐसे ही करके आप ये 17 बॉल और ये 12 चार्म पास करना है। फिर नेक्स्ट ये जो मैंने वायर लिया था इस साइड, इसके अंदर मैं जो ये 6 mm की बॉल लिया था, बस उसको पास करूंगी। ओके, देखो मैंने इसके अंदर ये 33 बॉल पास कर दिया है सिर्फ। तो ये कनेक्टर लिया था, बस एक कनेक्टर को इसके अंदर इसे पास कर दूंगी। देखो ये ऐसे ही आएगी। फिर नेक्स्ट जो मैंने ये 2 mm की ये बॉल लिया था, बस इसको रिपीट करूँगी। मैंने 25 लिया था, बस यहीं पे मैंने ये बॉल 25 पास करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर 25 बीट्स पास कर दिया है। अभी मैं ये वायर को जंप रिंग के साथ लॉक करूँगी। इसके लिए मुझे सेम ये लॉक बीट चाहिए, ये लग बीट मैंने लिया। फिर इसके अंदर ये जंप रिंग पास करूँगी इसको इसके साथ फिट करने के लिए। फिर ये दो ईयर ये बीट्स के अंदर नेक्स्ट पास कर दूंगी लग करने के लिए। देखो मैंने इसके अंदर ये लग बीट फिक्स कर दिया है। सिर्फ मैं ये जो फिश हुक लिया था, बस ये हुक को ये जंपरिंग के साथ अटैच कर दूंगी।
ओके देखो मैंने ये फिश हुक ये जंपरिंग के साथ अटैच कर दिया है। देखो ये सिल्क थ्रेड बॉल की नेकलेस कितना प्यारा लग रहा है। जब आप इसको बनाओगे खुद आपको पता चलेगा ये बनाना कितना ईजी है और कितने कम टाइम में ये बन सकती है। आप इसको साड़ी के ऊपर पहन सकते हो या कुर्ती के ऊपर भी पहन सकते हो। चलो वीडियो एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी वीडियो अच्छा लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके थैंक यू, धन्यवाद।